देश में तुअर की अच्छी फसल की उम्मीद है। तुअर फसल में फली के दाने लगने शुरू हो चुके हैं। मूंग और उड़द दाल की कटाई भी पूरी हुई है। 2 दिसंबर तक 4,01,000 हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई है, जबकि चने की बिजाई 4,00,000 हेक्टेयर बड़ी है। रबी फसलों की कुल बुआई के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2021 में 334,46,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी, जबकि 2022 में रबी फसलों की 358,59,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है। वहीं साल 2021 में दलहन फसलों की बुआई 94,37,000 हेक्टेयर हुई थी, जबकि साल 2022 में अब तक 94,26,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई हो चुकी है। इस बीच चने की बुआई पर नजर डाली जाए तो 2021 में चने की बुआई 75,80,000 हेक्टेयर हुई है, जबकि साल 2022 में अब तक 69,82,000 हेक्टेयर फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं तुअर के भाव पर अगर नजर डालें तो तुअर के इंपोर्ट भाव में फिलहाल गिरावट देखने को मिली है। वहीं सूडान में हुए इंपोर्ट के भाव के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 1 नवंबर 2022 को तुअर का इंपोर्ट भाव 7,650 रुपए था, जबकि 1 दिसंबर 2022 को इंपोर्ट भाव 7,005 रुपए रहा। दरअसल एक महीने के दौरान गजरी में भी तुअर का इंपोर्ट भाव 600 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 6,250 रुपए तुअर का इंपोर्ट भाव 1 नवंबर 2022 को अरुषा में देखने को मिला था, जबकि 1 दिसंबर 2022 को तुअर का इंपोर्ट भाव अरुषा में 6,250 रुपए रहा। एक महीने के दौरान अरुषा में इसके इंपोर्ट भाव में करीब 550 रुपए का बदलाव देखने को मिला। वहीं गजरी में भी 1 नवंबर 2022 को तुअर का इंपोर्ट भाव 6,950 रुपए था, जबकि 1 दिसंबर 2022 को भाव 5,500 रुपए पहुंच गया। एक महीने के दौरान गजरी में तुअर का इंपोर्ट भाव 450 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं जानकारों का कहना है कि सप्लाई बढ़ने से कीमतों में गिरावट आई है। फसल ज्यादा होने से तुअर का इंपोर्ट भाव बढ़ा है। फिलहाल तुअर में नमी देखने को मिली है। देश में तुअर का उत्पादन 35,00,000 टन होने की उम्मीद है। वहीं कुछ का कहना है कि दिसंबर में दालों की हमेशा मांग कम रहती है। इंपोर्ट लागत घटने के कारण भी कीमतों में गिरावट आई है। दिसंबर और जनवरी में दालों की कीमतों में दबाव बना रह सकता है। तुअर की कीमतों में आई तेजी के लिए सरकार कड़े कदम उठा सकती है। वहीं अफ्रीका में भी तुअर की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। मोजाम्बिक में भी सप्लाई आने वाली है। आगे जानकारों का मानना है कि चने की बुआई 10% घटने पर भी दालों की कीमतों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास फिलहाल चने का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।